नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से टॉप गैलेट सिविल सर्विस एकेडमी में। आज के इस वीडियो में हम पर्यावरण में आगे बढ़ेंगे, यानी कि पर्यावरण की ये सेकंड क्लास है, तो आप हेडिंग डाल सकते हैं पर्यावरण। ठीक है, यहाँ पे आप साथ ही साथ में नोट्स भी बना सकते हैं, चाहें तो लिख भी सकते हैं। इसके अलावा आपको बता दूं कि क्लास के लास्ट में वन लाइनर यहाँ पे फैक्ट आपको बताए जाएंगे, प्री के पॉइंट ऑफ व्यू से या वन डे एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। चूंकि आपको पता है जैसा कि ये क्लास जो है पर्यावरण की, ये प्रत्येक एग्जाम के लिए इम्पोर्टेंट हो जाती है, चाहे आपका कोई भी स्टेट सर्विस एग्जाम हो या फिर कोई वनडे एग्जाम हो, उसमें ज़रूर पर्यावरण से रिलेटेड प्रश्न होते हैं। तो उसी में हमने पहली क्लास अपनी कंप्लीट की थी, जिसमें बेसिक इन्फॉर्मेशन आपको प्रोवाइड कराने की कोशिश की थी, जैसे कि पर्यावरण क्या होता है या पर्यावरण का अध्ययन हमें क्यों करना चाहिए, या और एक और उसमें जो पॉइंट था वो डिस्कस किया था कि पर्यावरण के प्रमुख घटक कौन कौन से हैं। उसी में हम आगे बढ़ेंगे और जहाँ से क्लास खत्म की थी वहीं से शुरू करेंगे। तो मेरा आपसे निवेदन है कि वीडियो को लास्ट तक ध्यान से जरूर देखें, ये आपके लिए इंपॉर्टेंट हो सकती है, क्योंकि यहाँ से प्रश्न बनते रहते हैं। जिस पॉइंट से या जिस टॉपिक से भी प्रश्न आने की ज़्यादा संभावना होगी, वो यहाँ पे मैं जब पढ़ाते वक्त क्लियरली मेंशन कर दूंगा, वहाँ पे ज़्यादा ध्यान देने की ज़रूरत है। और लास्ट में जो वन लाइनर यहाँ पे कराया जाएगा या वन लाइनर आपको जो क्वेश्चंस बताए जाएंगे उनको भी जरूर देखें। तो वीडियो को लास्ट तक ध्यान से देखते रहें, ये आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो सकता है। ठीक है, तो शुरू करते हैं जहाँ से लास्ट जो हमने पढ़ा था, वो ये पढ़ा था कि जो पर्यावरण के प्रमुख घटक हैं, जैसे कि अजैविक घटक की हमने पिछले में चर्चा की थी। ठीक है, अजैविक घटक और जैविक घटक। ठीक है, अजैविक घटक में मैंने आपको बताया था कि स्थल हो गया, जल हो गया, मृदा हो गया, ये सब किस में आते हैं? अजैविक घटक में। वायु हो गया। ठीक है, लेकिन जो जैविक घटक है वो पेड़ पौधे, वनस्पति, जीव जंतु, ये सब किस में आते हैं? जैविक घटक में। तो इन दोनों के योग से ही किसका निर्माण होता है? पर्यावरण का। ठीक है, तो अगर आप नोट्स बना रहे हैं तो बना भी सकते हैं, और अगर समझना चाहें तो यहाँ पे समझ भी सकते हैं साथ ही साथ। अजैविक घटक और जैविक घटक के योग से पर्यावरण का निर्माण होता है या पर्यावरण बनता है। ठीक है, ये यहाँ पे मैंने खत्म किया था, अब हम आगे बढ़ेंगे, देखते हैं इसमें आगे। इसी आधार पे पर्यावरण को तीन भागों में बांट सकते हैं। ठीक है, या पर्यावरण के तीन भाग होते हैं, ऐसे भी कह सकते हैं। पहला जिसमें है वो है भौतिक अजैविक पर्यावरण। दूसरा है जैविक पर्यावरण। और तीसरा है सांस्कृतिक पर्यावरण। ठीक, लिखना चाहें तो लिख भी सकते हैं। ठीक है, पर्यावरण को तीन भागों में बांट के देख सकते हैं, अजैविक पर्यावरण, जैविक पर्यावरण और सांस्कृतिक पर्यावरण। इसको बोल सकते हैं एबायोटिक एनवायरनमेंट, बायोटिक एनवायरनमेंट और कल्चरल एनवायरनमेंट। ठीक है, अजैविक पर्यावरण को दो भागों में बांट के देख सकते हैं। यहां पे थोड़ा सा देख लेते हैं, फिर हम आगे डिस्कस करेंगे विस्तार से। ठीक है, यहाँ से अगर प्रश्न बने तो यहाँ पे चीज़ें क्लियर आपको हो जाए सारा। अजैविक पर्यावरण को भी दो भागों में बांट के देख सकते हैं, पहला है भौतिक पर्यावरण और दूसरा है रासायनिक पर्यावरण। ठीक है ना, फिजिकल एनवायरनमेंट एंड यहाँ पे यह है केमिकल एनवायरनमेंट। तो फिजिकल एनवायरनमेंट जो है ये विभिन्न प्रकार के भौतिक तत्वों से मिलकर बनता है। फॉर एग्जांपल, जैसे कि भौतिक तत्वों से ये मिलकर बनता है, जैसे स्थल, जल और वायुमंडल के तत्व इसमें समाहित होते हैं। वायुमंडल, ठीक है, स्थल मंडल, जल मंडल और वायुमंडल के तत्व इसमें समाहित होते हैं। यहाँ पे जगह नहीं है, मैं ऊपर लिख रहा हूँ, जैसे कि सूर्य का प्रकाश, सनलाइट, वाटर हो गया, टेम्परेचर,
ये सब किसके हैं? भौतिक पर्यावरण के तत्व हैं। यहाँ पे कन्फ्यूजन नहीं होना है, ये भौतिक पर्यावरण के तत्व हैं, ठीक है। सनलाइट हो गया, वाटर हो गया, टेम्परेचर हो गया, इसके अलावा मिट्टी हो गया, ठीक है, मृदा, पर्वत हो गया, पठार हो गया, ठीक है, नदियाँ हो गई, ये सब भौतिक पर्यावरण के अंतर्गत आते हैं, ठीक है। स्थल, इसी में हम आगे बढ़ेंगे, पूरा पर्यावरण यहीं पे पढ़ने वाले हैं। पहले सबसे पहले स्थलमंडल, जलमंडल, वायुमंडल, ये भी मैं भी आपको आगे बताऊंगा, ठीक है। तो ये अगर आप नोट करना चाहें तो इसके नीचे लिख सकते हैं कि पर्यावरण का जो मिल्क योग या अजैविक और जैविक घटकों के योग से पर्यावरण का निर्माण होता है या पर्यावरण बनता है, ठीक है। और उसी आधार पे हम पर्यावरण को तीन भागों में विभक्त करके देख सकते हैं, अजैविक पर्यावरण यानी कि एबायोटिक एनवायरनमेंट, जैविक पर्यावरण यानी कि बायोटिक एनवायरनमेंट, और सांस्कृतिक पर्यावरण यानी कि कल्चरल एनवायरनमेंट। अजैविक पर्यावरण को दो भागों में व्यक्त कर सकते हैं, भौतिक पर्यावरण और रासायनिक पर्यावरण। भौतिक पर्यावरण में वैसा भौतिक पर्यावरण के अंतर्गत हम कह सकते हैं कि विभिन्न भौतिक तत्वों से मिलकर बनता है। स्थल, जल और वायुमंडल के इसमें तत्व समाहित होते हैं, जैसे कि सनलाइट हो गया और वाटर हो गया, मृदा, नदियाँ, टेम्परेचर, ये सब इसमें समाहित होता है, ठीक है। अब बात करते हैं हम रासायनिक पर्यावरण की। तो यहाँ पे जगह कम है, यहाँ पे देख लीजिए रासायनिक पर्यावरण, या फिर मैं इसको ऊपर से मिटा देता हूँ, ठीक है। तो ये देख लीजिए यहाँ पे रासायनिक पर्यावरण, यहाँ पे लिख देता हूँ मैं। रासायनिक पर्यावरण का जो निर्माण, जैसे कि ऑक्सीजन हो गया, नाइट्रोजन हो गया, गंधक हो गया, विभिन्न प्रकार के खनिज, ये सब मिलकर किसका निर्माण करते हैं? रासायनिक पर्यावरण का निर्माण करते हैं, ठीक है। जैसे कि ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, गंधक, विभिन्न प्रकार के खनिज, विभिन्न खनिज मिलकर रासायनिक पर्यावरण का निर्माण करते हैं, रासायनिक पर्यावरण का निर्माण करते हैं, इसके अंतर्गत आप ये लिख सकते हैं। अगला देखिए, अगला है बायोटिक एनवायरनमेंट या जैविक पर्यावरण, ठीक है। जैविक पर्यावरण का संबंध किससे है भाई? जीवों से है, जीवों के अंतर्गत। जैविक पर्यावरण के अंतर्गत क्या आते हैं? जीव इसके अंतर्गत आते हैं, ये जीवों से संबंधित है, जीव जंतुओं से संबंधित है कह सकते हैं। एग्जाम्पल, वनस्पति, वनस्पति इसमें आ, और इसमें जो प्रमुख कारक है वो है मानव। मानव जैविक पर्यावरण का प्रमुख कारक है, और इसमें वनस्पतियों को भी सम्मिलित किया जाता है बायोटिक एनवायरनमेंट के अंतर्गत। मानव प्रमुख कारक लिख सकते हैं आप इसमें, मानव प्रमुख कारक, ठीक है। तो अगर यहां से प्रश्न बने कि जैविक पर्यावरण के अंतर्गत प्रमुख कारक के रूप में भूमिका निभाता है, तो कौन है इसमें? मनुष्य या मानव, ना कि वनस्पति, ठीक है, ये आपको याद रखना है। तो कहीं से ही प्रश्न बन सकते हैं कि अजैविक पर्यावरण को निम्नलिखित में से या निम्न में से तो ऑप्शन दे देगा आपको, भौतिक पर्यावरण, रासायनिक पर्यावरण। तो अजैविक पर्यावरण का निर्माण होता है मिलकर भौतिक पर्यावरण से, रासायनिक पर्यावरण से, दोनों से, इनमें से कोई नहीं, ठीक है। तो आपको याद रखना है इसमें, ये सारा कुछ आप याद रख सकते हैं। जैविक पर्यावरण, बायोटिक एनवायरनमेंट जीवों से संबंधित है, यानी कि जीवों, जितने भी जीव जंतु हैं वो सब इसके अंतर्गत आते हैं, वनस्पति, पेड़ पौधे जो भी हैं, मानव इसमें प्रमुख कारक है। अगला देख लेते हैं, सांस्कृतिक पर्यावरण या कल्चरल एनवायरनमेंट। तो ये भी कहीं ना कहीं मानव से अंतर संबंधित है, सांस्कृतिक पर्यावरण यानी कि मानव की क्रियाओं से संबंधित है। इसको भी थोड़ा देख लेते हैं, अपनी जो क्लास चलेगी वो अजैविक पर्यावरण और जैविक पर्यावरण में चलेगी, जितनी भी यहाँ पे क्लासेज होंगी इसके अंतर्गत ही। लास्ट में सांस्कृतिक पर्यावरण के अंतर्गत एक दो क्लासेज अगर आ पाएंगी तो उस पर हम कवर करा देंगे, ठीक है। अभी देखिए थर्ड पॉइंट, सांस्कृतिक पर्यावरण यानी कि कल्चरल एनवायरनमेंट, यानी कि ये मानव की क्रियाओं से संबंधित है, संबंधित है। सांस्कृतिक पर्यावरण विभिन्न परिदृश्यों में अलग अलग होता है या बदलता रहता है, ठीक है। और इसके जो प्रमुख पक्ष हैं, या ऐसे लिख सकते हैं नेक्स्ट पॉइंट, सांस्कृतिक पर्यावरण विभिन्न स्थानों में परिवर्तित होता है, ठीक है। और इसके जो प्रमुख पक्ष हैं उसमें अगर देख सकते हैं, मानव की क्रियाओं से संबंधित प्रमुख पक्ष हैं, जैसे कि मानव का आचार विचार, इसमें प्रमुख रूप से जो शामिल है वो है आचार विचार,
राजनीतिक व्यवस्था, राजनीतिक व्यवस्था, आर्थिक क्रियाएं, आर्थिक क्रियाएं हैं जो मानव की, आचार विचार हो गया अर्थ, और मानव निर्मित आवास, मानव निर्मित आवास, ये इसके प्रमुख पक्ष हैं। और ये मिलकर के क्या करते हैं, सांस्कृतिक वातावरण का निर्माण करते हैं। ठीक है, तो ये मैंने इसमें आपको बताने की यहाँ पे कोशिश की है। अब हम इसमें देखेंगे, अजैविक पर्यावरण में बढ़ते हैं और चलते हैं स्थलमंडल, जलमंडल और वायुमंडल की ओर। ठीक है, तो हेडिंग डाल सकते हैं या फिर इसी के ही अंतर्गत लिख सकते हैं, अजैविक पर्यावरण के अंतर्गत स्थलमंडल, अजैविक पर्यावरण को बांट के देख सकते हैं, स्थलमंडल, जलमंडल और वायुमंडल इसके प्रमुख कारक हैं, जिसमें कि वायुमंडल हम पहले देखेंगे। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं इसको। ठीक है, अब देख लेते हैं अजैविक पर्यावरण के अंतर्गत, अजैविक अजैविक पर्यावरण में हमने क्या जाना था कि इसके दो भाग हैं, या दो भागों में बांट सकते हैं, भौतिक और रासायनिक। तो हम अजैविक पर्यावरण के अंतर्गत देखेंगे भौतिक पर्यावरण, लिख सकते हैं आप अगर लिखना चाहें तो भौतिक पर्यावरण। और भौतिक पर्यावरण के जो विभिन्न तत्व हैं उनमें वायुमंडल, वायुमंडल, स्थलमंडल और जलमंडल। ठीक है, और इन्हीं तीनों से मिलके बनता है जीवमंडल। ठीक, यानी कि एटमॉस्फेयर, एटमॉस्फेयर, लिथोस्फेयर, हाइड्रोस्फेयर और यह है बायोस्फेयर। ठीक है, तो अजैविक पर्यावरण में हम देखेंगे भौतिक पर्यावरण, और भौतिक पर्यावरण के विभिन्न तत्व जैसे कि वायुमंडल, स्थलमंडल, जलमंडल, एटमॉस्फेयर, लिथोस्फेयर, हाइड्रोस्फेयर, और इन्हीं से मिलकर बनता है जीवमंडल। ठीक है, यहाँ पे हम समझ सकते हैं इस तरीके से, ये है अगर स्थलमंडल यानी कि लिथोस्फेयर, ये है जलमंडल यानी कि हाइड्रोस्फेयर, और ये है वायुमंडल यानी कि एटमॉस्फेयर। तो जहाँ पे तीनों मिलते हैं इस भाग को हम बोलते हैं वायुस्फेयर, वायुस्फेयर। ठीक है, तो अब यही सबसे पहले देखते हैं वायुमंडल को, तो हेडिंग डाल दीजिए वायुमंडल, यहीं से हम शुरू करेंगे, समझते हैं सबसे पहले वायुमंडल। ठीक है, तो इसमें एक लाइन में अगर बोला जाए कि तो पृथ्वी की सतह का ऊपरी भाग वायुमंडल कहलाता है। ठीक है, ये जैसे पृथ्वी की सतह है, अर्थ क्रस्ट है, ये जो ऊपरी भाग जो कि 500 किलोमीटर तक फैला हुआ है, इसका फैलाव कितना है 500 किलोमीटर। ठीक है, दूसरे शब्दों में हम बोल सकते हैं, अगर वायुमंडल की परिभाषा देनी हो तो दूसरे शब्दों में हम बोल सकते हैं कि पृथ्वी के चारों ओर का वह आवरण जो पृथ्वी को चारों ओर से घेरे हुए है, उसको हम क्या बोलते हैं, वायुमंडल। ठीक है, तो लिख सकते हैं इसको कि पृथ्वी की सतह का ऊपरी भाग वायुमंडल कहलाता है। ठीक है, या वायु का वह आवरण जो पृथ्वी को चारों ओर से, ये अर्थ है, ये अर्थ है, और ये जो वायु का आवरण है जो इसको चारों ओर से घेरे हुए है, ये है एटमॉस्फेयर, जिसकी सतह से ऊंचाई लगभग 500 किलोमीटर है। ठीक है, अभी हम इसमें डिटेल में आगे बढ़ेंगे। पहली पॉइंट यही डाल सकते हैं कि पृथ्वी की सतह से ऊपर का भाग वायुमंडल कहलाता है। दूसरा डाल सकते हैं कि इसका जो विस्तार है वो सतह से 500 किलोमीटर तक है, सतह से, समुद्र से, समुद्र सतह से लेके और 500 किलोमीटर तक इसका विस्तार है। तीसरा क्या डाल सकते हैं, 0 से लेके 500 किलोमीटर।
जो पृथ्वी का वायुमंडल है वो पृथ्वी के गुरुत्वाकर्षण बल के कारण, ग्रेविटेशनल फोर्स के कारण ही पृथ्वी से जुड़ा हुआ रहता है। थर्ड पॉइंट लिख सकते हैं आप इसमें कि पृथ्वी का वायुमंडल गुरुत्वाकर्षण प्रभाव से पृथ्वी से जुड़ा हुआ रहता है। ठीक है, इसमें एक और इम्पोर्टेंट पॉइंट ये है कि वायुमंडल का जो विस्तार है वो 0 से 500 किलोमीटर तक है, सतह से 500 किलोमीटर तक, लेकिन 32 किलोमीटर तक 99% भाग इसकी वायुमंडल का जो 99% भाग है, ठीक है, अगर यहाँ से प्रश्न बने कि वायुमंडल का जो 99% भाग है वो 0 से 32 किलोमीटर के बीच में है, ठीक, बाकी का 1% 32 किलोमीटर से ऊपर है। ठीक है, तो ये अब इसमें जो इम्पोर्टेंट है, जहाँ से ज़्यादा प्रश्न बनते हैं, वो है वायुमंडल का संगठन। तो अगली हेडिंग होगी अपनी वायुमंडल का संगठन, इसको और समझते हैं, यहीं से ज़्यादा सबसे ज़्यादा प्रश्न बनते हैं। ठीक है, ये अगर आपने लिख लिया हो तो मैं इसको रफ कर रहा हूँ और अगली हेडिंग डालिए वायुमंडल का संगठन। ठीक है, तो अब एडिंग है वायुमंडल का संगठन। वायुमंडल का संगठन कितने प्रकार के प्रश्न यहां से बन सकते हैं, या तो सीधा पूछ लेगा कि नाइट्रोजन की वायुमंडल में कितने परसेंट है, या नाइट्रोजन की मात्रा कितनी है, कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा कितनी है, किसी भी गैस की पूछ सकता है, या फिर क्रम में उनसे पूछ सकता है कि गैसों का जो वायुमंडल में क्रम है उनको ऊपर से नीचे, नीचे से ऊपर के क्रम में बताएं। ठीक है, तो यहाँ पे ध्यान से समझिएगा या याद कर लीजिएगा इसे जो मैं बता रहा हूँ, ये इंपॉर्टेंट हो जाता है आपके लिए, वायुमंडल का संगठन। तो वायुमंडल में अगर देखा जाए तो विभिन्न परतें हैं और विभिन्न प्रकार के गैसों का एक मिश्रण है। ठीक है, वायुमंडल में विभिन्न प्रकार की गैसें पाई जाती हैं और गैसों में जो सबसे ज्यादा है वो है नाइट्रोजन जो है लगभग 78%। ठीक है, लगभग 78% है नाइट्रोजन, 78%। उसके बाद है ऑक्सीजन O2, ऑक्सीजन की जो मात्रा है वो है 20.95 या फिर 21% लगभग जो है वो है ऑक्सीजन। ठीक है, और ऑक्सीजन के बाद है आर्गन, आर्गन के बाद है कार्बन डाइऑक्साइड, आर्गन का जो प्रतिशत है वो है लगभग 0.93% आर्गन है और 0.03% है कार्बन डाइऑक्साइड। इसके अलावा प्लस अन्य गैसों का जो प्रतिशत है वो है 0.04%। ये अन्य गैसें हैं जिसमें हाइड्रोजन हीलियम और अन्य गैसें। ठीक है, तो यहाँ पे ये आपको इसमें याद रखना है जो विभिन्न, इसमें नाइट्रोजन कितना है, ऑक्सीजन कितना है, इसके अलावा और आर्गन कितना है और CO2 और ये अन्य गैसें। ठीक है, इसके अलावा वायुमंडल की अगर निचली परतों की बात करें तो उसमें जलवाष्प भी मौजूद होती है। ठीक, जलवाष्प की मात्रा वायुमंडल की निचली परतों में, कई बार प्रश्न बन जाता है यहाँ से कि भाई वायुमंडल की जो निचली परतों में जलवाष्प की मात्रा कितनी होती है लगभग, तो ये है 0 से लेके 5% तक भी पहुँचती है। ठीक है, जलवाष्प की मात्रा जो है वायुमंडल की निचली परतों में होती है और 0 से लेके 5% तक जलवाष्प की मात्रा पाई जाती है। एक और इसमें इम्पोर्टेंट वायुमंडल के संगठन में ही, जलवाष्प की जो मात्रा है वो भूमध्य रेखा से, अगर हम ध्रुवों की ओर जाएंगे तो ये जलवाष्प की मात्रा घटेगी बढ़ेगी, बताइए। ठीक है, ये जो होता है जलवाष्प की मात्रा घटती है, ये भी आपको इसमें याद रखना है।
तो यहाँ पे प्रश्न अगर बनता है तो आप इसको कर पाएंगे कि भूमध्य रेखा से अगर ध्रुवों की ओर जाते हैं तो जलवाष्प की मात्रा ऐसा दे देगा ऑप्शन ए, घटती है, बढ़ती है, एक समान रहती है। ठीक, तो सही आंसर है इसका क्या होगा, घटती है। जैसे 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 हम भूमध्य रेखा से ध्रुवों की ओर जाते हैं वैसे वैसे जलवाष्प की मात्रा घटती जाती है। ठीक है, तो ये मैंने आपको बताया जलवाष्प के बारे में। और इसके अतिरिक्त वायुमंडल की निचली परतों में अगर हम बात करें, देख लीजिए यहाँ पे धूल के कण और क्या पाए जाते हैं, संगठन में ही धूल कण, पराग कण, ठीक, नमक कण, इनका कोई परसेंटेज नहीं है, ये भी निचली परतों में देखने को मिलते हैं। तो ये था वायुमंडल का संगठन। यहाँ से अधिकतर प्रश्न पूछ लेता है गैसों से। अब लास्ट में देख लेते हैं वन लाइनर, स्क्रीन पे देखिए आपको शो हो रहा होगा वन लाइनर। पहला वन लाइनर है कि राष्ट्रीय हरित न्यायाधिकरण अधिनियम 2010 में पारित किया गया। याद रखिएगा, राष्ट्रीय हरित न्यायाधिकरण अधिनियम 2010 में पारित किया गया। अगला देखिए, स्थायी विकास यानी कि सस्टेनेबल डेवलपमेंट शब्द को, जो शब्द का पहली बार प्रयोग किया गया वो IUCN ने किया था, यानी कि इंटरनेशनल यूनियन फॉर कंजर्वेशन ऑफ नेचर एंड नेचुरल रिसोर्सेज। ठीक है, तो याद रखना है आपको, स्थायी विकास यानी सस्टेनेबल शब्द का पहली बार IUCN द्वारा पहली बार प्रयोग किया गया था। अगला देखिए, कार्ल रिटर, इनको पर्यावरणीय निश्चयवाद के ये प्रतिपादक थे। कई बार प्रश्न ऐसे बन जाते हैं तो याद रखिएगा, पर्यावरणीय निश्चयवाद के प्रतिपादक थे कार्ल रिटर। वायुमंडल को पृथ्वी का रक्षा कवच कहा जाता है। वायुमंडल को पृथ्वी का रक्षा कवच कहा जाता है, क्यों? क्योंकि जो प्राण वायु है इनकी, जो ऑक्सीजन है वो यहीं पे मिलती है वायुमंडल में, इसलिए इसको वायुमंडल को पृथ्वी का रक्षा कवच कहा जाता है। वायुमंडल में CO2 की मात्रा जो है वो लगभग 0.03% है, अभी मैंने आपको बताया। वायुमंडल में जलवाष्प की मात्रा 0 से लेकर 5% तक होती है, ये भी मैंने अभी आपसे चर्चा की। अगला देखिए इसमें वन लाइनर, जल विद्युत भारत में धारणीय विकास के दृष्टिकोण से विद्युत उत्पादन का सबसे अच्छा स्रोत है। ठीक, तो यहाँ से अगर प्रश्न बने कि भारत में धारणीय विकास के दृष्टिकोण से विद्युत उत्पादन का सबसे अच्छा स्रोत है, वो है जल विद्युत। ठीक है, और एक और देखिए अंतिम, क्लोरोफ्लोरोकार्बन के बाद ओजोन स्तर का जो दूसरा सबसे बड़ा विध्वंसक है, प्रमुख विध्वंसक है, वो है नाइट्रोजन डाइऑक्साइड। ये भी आपको इसमें याद रखना है, वन लाइनर आपके लिए इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो इसमें मैंने ये वन लाइनर आपसे कुछ फैक्ट की चर्चा की, और ये यहाँ पे हमारी क्लास कंप्लीट होती है। मिलते हैं अगली क्लास में, जहाँ पे ख़त्म किया है वहीं पे आगे बढ़ेंगे, और अगले क्लास में मिलते हैं। तब तक के लिए जय हिंद, एंड आई विश यू ऑल द वेरी बेस्ट टू ऑल।